बाड़मेर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 16 नवंबर को पुलिस थाना पचपदरा के हल्का क्षेत्र सरहद कुड़ी के पास नेशनल हाईवे पर अज्ञात आरोपियों द्वारा 20 लाख के तानसेन गुटके से भरे ट्रक को रुकवाकर वाहन लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। बाड़मेर की विशेष टीम ने इस एक आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना पचपदरा में एक सूचना वाहन चालक टवरपाल सिंह निवासी सीकर गांव नाथावतपुरा के माध्यम से प्राप्त हुई कि वो उनके मालिक भी सीकर के ही हैं, जिनका ये तानसेन ब्रांड का गुटखा था और ये ट्रक भर करके गुटखा अहमदाबाद की तरफ सप्लाई के लिए बालोतरा की तरफ अलग अलग स्टेजेस में इनको देना था, लेकर के जा रहे थे और उनके अनुसार पचपदरा थाना क्षेत्र के इलाके में हाईवे पे कुछ लोगों ने गाड़ी आगे लगा करके इनको रोक लिया, उठा करके बंधक बना लिया और फिर इनको अपनी गाड़ी में ले करके दो चार घंटे घूमते रहे, आंखों पे पट्टी बांध करके, जो इन्हें नहीं पता कि वो कहाँ ले गए और कहाँ क्या कर रहे थे। और दो चार घंटे बाद उनको एक अनजान सी जगह पे छोड़ दिया, किसको, ड्राइवर को जो हमारा परिवादी है। थाने पे आया, थाने से SHO सुखराम जी गए और बाद में CO साहब और एडिशनल SP भी पहुंचे, तो घटना ये पता लगी कि मौके पे वो गाड़ी भी नहीं थी और ड्राइवर को छोड़ा था। उन्होंने जिस जगह से बताया, फिर जो इसके जो मालिक थे वो भी आए और घटना ये थी कि काफ़ी कीमती तानसेन ब्रांड का जो गुटखा था वो कुछ अज्ञात बदमाशान छीन करके और एक प्रकार से इनका अपहरण करके, चूँकि संख्या उनकी ज़्यादा थी तो लूट नहीं बल्कि डकैती की धारा टेक्निकली हो जाए, उसका ये प्रकरण 220 16 नवंबर 2019 को कायम किया गया। 16 नवंबर को शायद पुलिस नगर परिषद के चुनाव में भी व्यस्त थी। इस पे कार्रवाई करते हुए मेरे SP ऑफिस की जो टेक्निकल ब्रांच की टीम है वो और CO बालोतरा और SHO पचपदरा ने अपने मुखबिर लगा करके और बड़ी जल्दी, आज 5 दिसंबर है, तो लगभग 20 दिन के अंदर इस वारदात का खुलासा किया है, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उसको आज इन्होंने माननीय न्यायालय में पेश करके PC रिमांड प्राप्त कर लिया है, आगे का अनुसंधान जारी है। शेष मुलजिमान हमने नामजद कर लिए हैं, उनकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र होगी और माल भी बरामद किया जाएगा। देखिए, ये सेलेबल प्रोडक्ट है, तो 2 सेकंड में कोई भी खरीद ले, नंबर 1। नंबर 2, इनके मालिक ने मुझे जब यहाँ करके मिले, उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि साहब, इसी ड्राइवर के साथ में एक घटना जोधपुर ग्रामीण इलाके में भी हो चुकी है और प्रयास किया गया था, कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे थे, माल छीनने का प्रयास कर रहे थे, इसको उतार भी लिया था गाड़ी से, लेकिन क्या कारण बने उन्हें खुद भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन उस दिन ये लूट या डकैती की वारदात जो इस घटना से लगभग 10 दिन पहले की थी उसको अंजाम नहीं दिया जा सका, कुछ लोग आ गए या क्या हुआ उनको नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ। प्रथम दृष्टया मुझे, मैंने SHO के साथ भी शेयर किया कि मुझे कैसा लग रहा है, ये ड्राइवर ही तो नहीं मिला हुआ है, उसने तो वारदात नहीं करा दी, ये फर्स्ट, क्योंकि एक घटना 10 दिन पहले होने वाली थी और लगभग हो गई थी, उसको उतार लिया था गाड़ी से और यही ट्रक था और यही तानसेन ब्रांड का माल था उसके अंदर। लेकिन वो अनुसंधान में वो एक एंगल था, सब तरफ हम करते हैं, अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं मिला। ये निश्चित रूप से जो इसके अंदर मुलजिम है ये भी बिल्कुल जोधपुर और बाड़मेर बॉर्डर के कल्याणपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्हें पता था, बिल्कुल आइडेंटिफाइड था कि इसके अंदर गुटखा है और गुटखा ही उन्हें लूटना था, तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड होने से सीधे इसके आगे आकर के गाड़ी लगाई और लगा करके उसको पूरा खाली किया, ट्रक को इसको जब ले गए उसके बाद उस ट्रक को भी ले गए और दूसरी किसी एक ढाणी में गाँव में ले जा करके उसको खाली कर दिया।